गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा माता आप सभी लोगों पे कृपा बनाए रखे, आप सभी लोगों को खुश रखे। और जैसे कि आपको पता है, आज है फर्स्ट नवरात्रि और मेरा भी फास्ट है। जस्ट अभी टाइम देखिए आप लोग, 7:30, हाँ 7:30 से ऊपर हो गया है, मतलब 7:30 लगा सकते हो आप, 7:30 हो रही है। और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज हम मतलब ये होता है ना, घर में पूजा होती है फर्स्ट नवरात्रि के दिन, तो पूजा पूजा होती है, कलश रखते हैं, बहुत कुछ होता है। तो हम जल्दी उठ गए हैं और अपना नहा धो के अब नीचे जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में पापा पूजा करेंगे, क्योंकि पापा को जाना है ऑफिस। और बस यही है। तो आप सभी लोगों का भी फास्ट होगा, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में, हम उत्तराखंड के हैं और हमारा जो कल्चर है, जिस तरीके से हमारे कल्चर में हम लोग नवरात्रि की पूजा करते हैं, तो मैं आप लोगों को उसी तरीके से बताऊंगी। और आज का आप लोग के साथ अपना फुल डेली रूटीन भी शेयर करूंगी। तो चलिए, अभी ज्यादा बातें नहीं करती हूँ और टाइम भी हो गया, नीचे जाती हूँ, चाय वाय पहले पीती हूँ, क्योंकि मेरे को कल रात से हेडेक हो रहा है सिर में, और चाय सुबह सुबह पीना भी चाहिए हमारी तरफ से। वैसे तो लोग बहुत कम पीते हैं, बट मैं भी कम पीती हूँ, बट जब आप फास्ट फूड में, तो जैसे फास्ट वगैरह है, तो मैं पीती ही पीती हूँ। तो चलो अभी चलती हूँ मैं नीचे, और नीचे जाके पापा का खाना भी रेडी करना है, और बस। तो चलो मिलूंगी आपको थोड़ी देर बाद, चलते हैं नीचे। और हाँ, आजकल मतलब होता है ना, अब थोड़े आपको पता है, अब थोड़ा सा ठंड आनी शुरू हो गई है। जैसे पानी भी बिल्कुल, अगर हम हेयर वॉश करते हैं फिर नहाते, तो पानी बिल्कुल ठंडा हो रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बाहर गई ना, इतना ठंडा मौसम है, क्या बोलूं मैं आपको, बहुत ठंडा मौसम होता है। और बारिश जो यहाँ पे, वो तो थैंक्स गॉड की जो यहाँ पे डेली बारिश आ रही थी, वो बारिश आनी बंद हो गई, नहीं तो यहाँ पे सब बुरा हाल हो गया था ना बारिश की वजह से। इस साल तो सभी लोग बोलते कि ये बारिश कब बंद होती है, बट फाइनली बारिश अब बंद हो गई है। तो चलो अभी ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, जाती हूँ नीचे और आप लोग को दिखाती हूँ आज का मेरा डेली रूटीन। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, अब मैं बनाने जा रही हूँ पापा की रोटी। यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, बस पूजा की तैयारी थोड़ी देर में होने वाली है, तो तब तक मैं पहले बना लेती हूँ रोटी। सो गाइस, पूजा हमने कर ली है, ये है मेरी गली, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और शिवानी वहाँ पे वेट कर रही है, वो देखो उधर खड़ी हो रखी है, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। मौसम आप देख सकते हैं काफी अच्छा हो गया है। मंदिर के पास हम आ गए हैं गाइस, जहाँ पे आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी, परसों वाली, ग्राउंड पे जहाँ हम घूमने गए थे, जिस ग्राउंड में, उसी ग्राउंड के बगल पे मंदिर बताया था मैंने, वहीं पे जा रहे हैं और अभी पहुँचने वाले हैं। जस्ट थोड़ी हल्की सी धूप लग रही है, वैसे तो अब गर्मी नहीं है, बट फिर भी धूप में निकलना कम होता है, तो इस वजह से धूप लग रही है। सो ये है मंदिर, और ये जो सामने पे जहाँ पे गाड़ी जा रही है, उस ग्राउंड में हम जाते हैं घूमने आजकल, अदरवाइज तो हम पार्क में जाते हैं। सुखेंगे, देखो ना लोगों को पता चल जाता है ना।
गाइस जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं मंदिर से होके आ गई हूँ और हालत आप लोग देख सकते हैं। फास्ट में मेरी ऐसी ही हालत होती है और करवा चौथ का जब मेरा फास्ट आता है ना तब तो मैं क्या बोलूँ, मेरी बुरी हालत हो जाती है क्योंकि उस टाइम तो पानी भी नहीं पीना होता है। सो जस्ट अभी मैंने अपने कपड़े वॉश किए हैं, कपड़े उपड़े धोए हैं, अभी जाकर फ्री हुई हूँ, थोड़ा सा बनाना शेक पिया और बस। आज तो कुछ पूरा दिन आपको पता है खाते पीते है नहीं, तो आज कुछ खाना पीना तो है नहीं। और टाइम देखिए आप लोग 11 बज की है और हमें मंदिर में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि वहां पे आरती हो रही थी तो हम आरती में रुक गए थे। अब मैं कर रही हूँ अपना काम और बाकी क्या देखती हूँ दिन का, दिखाऊंगी आपको जो भी। बट आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना है, मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे मेरी बातें सुन सुन के, बट क्या करें, दिखा यही सकती हूँ तो क्या कर सकती हूँ मैं, तो इसलिए आप लोग मेरे साथ एंजॉय कीजिए मेरी इस वीडियो को और एंड तक वीडियो में बने रहें। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइज मैं जस्ट बैठी थी यहाँ पे अभी, मुझे मिलने कौन आया मैं आपको दिखाती हूँ। हाय शिवांश, हेलो, हाय कर, जय कर दो, जय कर दो, सबको जय करो, हाय जय करो, सबको जय करो, गोलू गोलू हाय करो, कहाँ जा रही गोली? तो ये यहाँ आया था नीचे और यहाँ आके अंदर भाई दिखते। एप्पल खाओगे? इतना बड़ा खा लोगे? ओ ताई क्या खाएगी? खाओगा मेरा बच्चा, खाएगा मेरा बच्चा, ना ताई खाएगी, ताई खाएगी। तू ये खाइए, ये खाओ बेटा। नहीं शिवांश को तो शैतानी करनी है ना? शैतानी कर रहे बच्चा, देखो गोनू। नहीं 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 नहीं, वो गंदी चीज है बेटा। गुच्छा दिखा दो सबको, गुच्छा दिखाओ अपना। ओ भाई गुच्छा आ गया इस बच्चे को, गुच्छा दिखाओ भाई, इसको गुच्छा आ गया भाई। गाइस मैंने मंकी देखा, गाइस मैंने मंकी देखा, बंदर, गाइस मैंने बंदर देखा, बंदर बंदर देखा मैंने, बंदर, इस बंदर को देखा। अरे वाह, ये एप्पल कौन खाएगा बेटा? किसका एप्पल है? ताई ने खाना, गोलू ने खाना है, गोलू खाएगा। सो दोस्तों आ गई हूँ मैं नीचे वाले फ्लोर में अपने और अब मैं बनाने जा रही हूँ शाम के लिए दाल वगैरह। तो आज हम बना रहे हैं सांभर। सांभर बनाने के लिए मुझे दाल रखनी है और आपको पता है सांभर नॉर्मली तरीके से बनता है, मैं भी मैंने सांभर की रेसिपी अपने एक ब्लॉग में डाला हुआ था। और सांभर बहुत ही नॉर्मल तरीके से बनता है, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम तैयारी करने जा रहे हैं खाना बनाना, मतलब जो नवरात्रि में खाते हैं। बस तो मैं आपको लोगों को बता दूं कि नवरात्रि में लोग, यहाँ के लोग, हरियाणा के लोग जो हमें देखा फलाहार लेते हैं, बट हमारे में ऐसा नहीं होता है, हमारे में फलाहार नहीं, खाना प्रॉपर खाया जाता है लेकिन कई चीजें जैसे प्याज लहसुन हुए इन चीजों को स्किप किया जाता है, मतलब थोड़ी ऐसी चीजें स्किप की जाती है जो नहीं खानी चाहिए, अदरवाइज हमारे यहाँ नॉर्मल ही खाना खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें फलाहार खाना होता है। तो चलो अभी मैं बनाने जा रही हूँ और मम्मी गई हुई कीर्तन में, मुझे भी जानता बट मुझे हेडेक हो गया था इस वजह से मैं नहीं जा पाई, मम्मी गई हुई है कीर्तन में और अभी मैं रख रही हूँ दाल। तो चलो दाल वाल रखते हैं और टाइम देख सकते हो आप लोग ऊपर 5:30 हो गई है, तो अंधेरा आजकल पता है आपको बहुत जल्दी हो जाता है। आज मे भी हम वॉक करने नहीं जाएंगे क्योंकि आज वैसे ही फास्ट है, क्या वॉक करेंगे, एनर्जी है नहीं बॉडी में। तो चलो अब स्टार्ट करती हूँ फटाफट से, दाल रखती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। सो गाइस खाना पीना हमने बना लिया है, बस रोटी बनानी बाकी है क्योंकि हम रोटी, जैसे मैंने आपको बताया था हम नॉर्मली खाना खाते हैं, हमारे में इतना नहीं होता है। और अंधेरा हो चुका है, 6:30 हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक करने, थोड़ा सा वॉक, क्योंकि मैंने बोला था हेडेक हो गया, तो थोड़ा सा हेडेक सही हो जाता है, घूम के हमारा जो सिर दर्द है वो सही हो जाता है। तो अब हम जा रहे हैं घूमने, अंधेरा बिल्कुल हो चुका है, तो चलो थोड़ा घूम के आते हैं फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस खाना हमारा बन रहा है, रोटी बन गई, सब्जी दाल हमारी रखी हुई है, थोड़ा सा हमने चावल बनाए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग फलाहार का ज्यादा नहीं करते, हमारे में ऐसा ही होता है। और ये बनाया हमने भोग के लिए हलवा, जो कि माता रानी को लगेगा भोग। लोग सोचेंगे कि ये लोग तो पूरा प्रॉपर खाना खा रहे हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया था हमारे कल्चर उत्तराखंडी का जो कल्चर है गढ़वाल का, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, फलाहार नहीं लेते हैं हम लोग।
हम लोग प्रॉपर खाना खाते हैं, तो इस वजह से हम लोग प्रॉपर खाना अपना खा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पूजा करने वाले हैं, तो पहले हम लोग बना रहे हैं खाना, उसके बाद करते हैं पूजा। गोलू मामू के शादी में कैसे डांस करना है आपने? गोलू मामू की शादी का डांस करो। शिवांश मामू की शादी का डांस करो। गोलू कैसे डांस करना है मामू की शादी में? दिखाओ दिखाओ सबको दिखाओ। गोलू मामू की शादी का डांस दिखाओ दिखाओ दिखाओ। यूं करके मामू की शादी में कैसे डांस करना तूने? दिखा दो। बोलो मामू की शादी में तेरे दम सो गाइज ये है हमारा आज का डिनर, सांबर और खीर, चावल और रोटी। हम जैसे मैंने बताया था हम प्रॉपर खाना खाते हैं, तो ये हमारा आज का डिनर। चलो हम डिनर करते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। सो गाइज अभी हमने जस्ट अपना डिनर फिनिश किया हुआ है, हमने अपना डिनर फिनिश किया और अब हम जा रहे हैं वॉक करने। और ये देख सकते हैं आप मेरा मोटापा, ये रात के टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा दिखता है। ये मेरा जो डबल चिन है ये बहुत ज्यादा मुझे दिखता है और मुझे बहुत बेकार लगता है ये डबल चिन। कोशिश कर रही हूँ ये अंदर चले जाए, बट मुश्किल है अंदर जाना। लोगों ने तो सुना होगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो देखेंगे कब तक अंदर जाता है। वैसे तो बीच में हो गया था ये बिल्कुल ठीक, बट फिर भी थोड़ा सा मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा खा लेती हूँ अपनी बॉडी से ज्यादा तो मेरे डबल चिन आ जाता है। लोगों का पेट पे लगता है, मेरे गले पे लगता है। तो बहुत अंधेरा और रखा यहाँ पे और अभी हम जा रहे हैं वहीं हाईवे पे, हमारे हस्बैंड लोग भी जा रहे हैं साथ में, तो चलो चलते बात। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं एक गोल राउंड मारेंगे जो मैं आपको दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में, वहीं जा रहे हैं। थोड़ा अंधेरा आपको दिख रहा होगा क्योंकि लाइट दूर दूर स्पेस में है यहाँ पे। तो चलो अभी चलते हैं, हमारा डिनर हो गया फिनिश और फिर मिलूंगी मैं आपको थोड़ी देर बाद। राधे राधे करो, राधे 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 रा